हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट अर्थात लीव अवेबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम INSR को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज का पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात INSR। तो देखिएगा R CH2, मैंने यहाँ पर Y, ये लिविंग ग्रुप है, इसकी रिएक्शन कराऊंगा एनी न्यूक्लियोफाइल, ये इसको रिप्लेस कर देगा R CH2 NU और Y। तो देखिएगा आपके पास ये लिव ग्रुप। अब बात आती है सबसे फर्स्ट कंडीशन फॉर INSR अर्थात INSR कब पॉसिबल है। तो अगर हम कंडीशन ऑफ INSR की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है बेसिक स्ट्रेंथ। आपका जो लिविंग ग्रुप है उसके कंपेयर में न्यूक्लियोफाइल की बेसिक स्ट्रेंथ मोर होनी चाहिए। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैंने लिया RCH2OH और इस पर रिएक्शन कराना चाहता हूँ Cl-। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है। अब आप देखिएगा ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, क्यों? तो इसके लिए देखिएगा OH- Cl- OH- से बनेगा वाटर और ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप देखिएगा अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोर है। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोर है तो ये वीक बेस होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हमें पता है कि एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी में सेकंड, अब की बार मैंने यहाँ क्लोरीन लिया है, यहाँ पर OH- लिया है अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल और इसे लिविंग ग्रुप रखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया वीक बेस, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब की बार ये इसको रिप्लेस कर देगा और रिएक्शन होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को इजीली रिमूव कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस इजीली रिमूव वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से मतलब है न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस से मतलब है लिविंग ग्रुप। अब बात करते हैं सेकंड, फर्स्ट था बेसिक स्ट्रेंथ, सेकंड इफ रिएजेंट न्यूट्रल। अगर आपका रिएजेंट न्यूट्रल का पार्ट है तो ऐसी कंडीशन पर उसमें जो अटैकिंग पार्ट होगा वो जो नेगेटिव पार्ट है वो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो ध्यान दें, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट रिप्लेस लिविंग ग्रुप। जैसे R CH2, यहाँ पर ये Y लिविंग ग्रुप है, ये मैंने रिएजेंट लिया न्यूट्रल, तो ये न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा और यहाँ कर वो ऐड हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉर INSR कंप्लीट होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि बेसिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल की मोर होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन यह है कि अगर आपका रिएजेंट न्यूट्रल है तो उसका नेगेटिव पार्ट ही लिव ग्रुप को रिप्लेस करेगा। अब हम यहाँ से इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा INSR, फर्स्ट INSR 8 SP3 कार्बन और सेकंड INSR 8 SP2 कार्बन। तो देखिएगा इसमें एग्जांपल होगा फर्स्ट एल्किल हैलाइड, सेकंड INSR इन एल्कोहल, थर्ड
एनएसआर इन ईथर, फोर है एनएसआर इन एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। इन सभी में जो एनएसआर हो रही है वो sp3 कार्बन पर है। अब बात आती है NSR8 sp2 कार्बन, तो NSR8 sp2 कार्बन पे अगर हम बात करेंगे एग्जांपल, तो इसमें आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। अब हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं NSR इन, फर्स्ट स्टडी करेंगे हम NSR इन एल्किल हैलाइड। तो ध्यान दें, हम NSR इन एल्किल हैलाइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर रिएक्शन और यहाँ पर मैकेनिज्म। तो NSR इन एल्किल हैलाइड में भी हम सबसे फर्स्ट जो पढ़ने जाएंगे वो होगी यूनि मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अर्थात हम जो फर्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, इसमें अगर एग्जांपल बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो हम यहाँ पर मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थात हम जो पढ़ने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन, इस SN1 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, हम एग्जांपल लेंगे ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब आप देखिएगा मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म की बात करें तो जनरली डन इन टू स्टेप्स। अर्थात इस अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है वो टू स्टेप्स में होगा। तो देखिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर मैं स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करूं तो स्टेप नंबर फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटाइन, अर्थात कार्बो कैटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिएगा CH3 और X, इस पर क्या होगा, सबसे पहले ये ग्रुप रिमूव होगा, एक रिवर्सिबल है ये, इसका स्लो रेडियस पार्ट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आयनाइजेशन है। तो यहां से ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि कार्बो कैटाइन है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर। तो देखिएगा आपका इंटरमीडिएट ये कार्बो कैटाइन था, इस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ पर किसकी कौन है, वाटर। तो ये वाटर यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये फास्ट स्टेप है इसका, ये यहाँ पर आके ऐड होगा और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और इसके वाया अल्कोहल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से की पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं की पॉइंट। हमें पता है कि कोई सा भी मैकेनिज्म हो सभी के की पॉइंट्स में कुछ सिमिलरिटीज है, फर्स्ट सिमिलरिटीज है इंटरमीडिएट। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट,
इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, अर्थात इसके आरडीएस में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। नंबर टू, रीअरेंजमेंट। हमें पता है जिन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन होता है वहां पर रीअरेंजमेंट क्या होता है, मे बी पॉसिबल। तो देखिएगा रीअरेंजमेंट के लिए, आर एक्स, सबसे पहले एक्स ग्रुप हटेगा, आर प्लस होगा, इंटरमीडिएट है ये फर्स्ट, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा तो ये आरडीएस में चेंज हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट सेकेंड है। उसके बाद यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट होगी जिसमें दोनों बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। इसके बाद इंटरमीडिएट फर्स्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट से सेकंड के अंदर यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, जिससे इंटरमीडिएट सेकंड बनेगा, फिर इंटरमीडिएट सेकंड से थर्ड जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं अगर बात करूँ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, तो आप देखिएगा इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इंटरमीडिएट टू है, और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ टीएस ट्रांजिशन स्टेट तो थ्री है। तो ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन में, ये ट्रांजिशन स्टेट थर्ड था, तो किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ टीएस अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट में प्लस वन ऐड कर दो, उसे हमें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पता होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, हमें पता है यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एसएन वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ किस पे होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। अब देखिएगा पॉइंट नंबर फोर, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है तो हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद में आएगा एलाइलिक, एलाइलिक के बाद में होगा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन और मिथाइल, क्योंकि कार्बोकैटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3-2-1 होता है, क्योंकि 3 पर प्लस आई पैक्ट मोर होता है। अब बात करते हैं नंबर फाइव, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब्ट्रैक्ट, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, तो देखिएगा यहाँ पर होगा सब्ट्रैक्ट की पावर वन। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर केवल एक ही मतलब आपके जो उस पर है डिपेंड कर रही है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो ध्यान रखना यूनिमोलिकुलर इसका नाम भी था, तो ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक रिएक्शन है, और अगर मैं सेकंड बात करूँ तो ये होगा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन यह है कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली फॉर सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है, रिएजेंट पे नहीं, अर्थात ओनली एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट नॉट ऑन रिएजेंट, अर्थात रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो ध्यान रखना
केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर है और यूनि मोलिकुलर है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6। तो देखिएगा यहां से इक्वेशन अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर, इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट है ऑप्शन में CH3Cl, सेकेंड ऑप्शन में है ये, थर्ड ऑप्शन में है ये और फोर्थ ऑप्शन में है ये। तो आप देखिएगा अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटाइन, तो यहाँ से जो कैटाइन बनेगा वो ये होगा, यहाँ से जो कैटाइन बनेगा वो ये होगा, यहाँ से जो कैटाइन होगा ये, और यहाँ से जो कैटाइन बनेगा वो होगा ये। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो हमें पता है कार्बन कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3:1 होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा बी, बी के बाद में डी, डी के बाद में सी और सी के बाद में क्या होगा ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आता है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, अर्थात लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा। तो हमें पता है कि अगर रिएक्शन में बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो हमें पता है क्या है, वो इजीली रिमूव होगा, इजीली रिमूव। अगर वो इजीली रिमूव होगा तो हमें पता है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो इजीली रिमूव, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा फास्ट। तो देखिएगा RI, RBR, RCl और RF, इनमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है लार्ज इन साइज, इसका साइज लार्ज है इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस होगी, और जब आयोडाइड माइनस होगा तो ये स्टेबल फॉर्म में भी होगा। तो आयोडाइड माइनस है, लार्ज साइज की वजह से स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से इसकी लिव एबिलिटी, इसकी लिव एबिलिटी जो होती है वो भी मोर होती है। इसलिए आयोडाइड के केस में SN1 रिएक्शन फास्ट होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7। तो देखिएगा नंबर 7, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमें पता है कि SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, अर्थात इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सब्सट्रेट पे डिपेंड करती है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करती, अर्थात न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिएगा फर्स्ट क्या होगा, तो SN1 रिएक्शन इज अनइफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब यह हुआ कि SN1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अनअफेक्टेड है, उस पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को यूज करेंगे। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 के फेवर में होता है। अगर बात करें नंबर 2, तो हम जो भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो लेंगे एट लो कंसंट्रेशन, क्योंकि वो कंसंट्रेशन से भी इफेक्टेड नहीं होता, इसलिए इसके हम कंसंट्रेशन को लो रखेंगे। नंबर 3, हमें पता है कि SN1 रिएक्शन जो है उसका फर्स्ट पार्ट आयनाइजेशन है, तो हम यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट लेते हैं वो प्रोटिक होता है, और जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो खुद सेल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब यह है कि SN1 रिएक्शन में हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट जो है वही किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखिएगा पॉइंट क्या है, मोस्टली प्रोटिक सॉल्वेंट यूज विच बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल।
तो ध्यान रखना यहाँ पर हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं और वो प्रोटिक सॉल्वेंट खुद ही किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जो SN1 रिएक्शन है इसको हम सोलवल एसिड टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हम सॉल्वेंट अगर वाटर लेते हैं तो ये हाइड्रोलाइजिड होगा, अगर हम अमोनिया लेंगे तो अमोनोलाइसिट होगा, और अगर हम एल्कोहल लेंगे तो एल्कोलोलाइसिट होगा। अर्थात यहाँ पर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, SN1 रिएक्शन इज टर्म एज सॉल्वोलाइसिस। जैसे मैंने रखा वाटर तो इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, हम रखेंगे अमोनिया तो इसको बोलेंगे अमोनोलाइसिस, हम सॉल्वेंट के रूप में लेंगे अल्कोहल तो इसको बोलेंगे अल्कोलोलाइसिस। इसी के साथ ये इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। तो देखिएगा नंबर 8, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता है कि SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखना जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, मैथेनॉल, वाटर, कोई सा भी अल्कोहल फॉर्म हो सकता है। अब बात आती है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो फेवर में क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है, अभी हमने देखा था इसका फर्स्ट रिएक्शन आयनाइजेशन है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आयनाइज में भी हेल्प करता है, और उसके अलावा आपका जो एनायन बनता है या जो आयन बनता है उसको स्टेबलाइज भी करता है। तो देखिएगा पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प इन आयनाइजेशन एंड स्टेबलाइज फॉर्मेड आयन। जैसे ये लिया RX, इसका सॉल्वेंट है वाटर, जब यहाँ से R+ केटाइन बनेगा तो ये स्टेबलाइज होगा वाटर के वाया, इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। अर्थात जो इंटरमीडिएट है वो आपके सॉल्वेंट से स्टेबलाइज हो रहा है। नेक्स्ट, हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी आयनाइजेशन पावर जो है, अर्थात कौन कितना ज़्यादा आयनाइज करेगा, वो डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर। तो ध्यान दें, आयनाइजिंग पावर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अर्थात डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करती है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मोर होगा उसका आयनाइजेशन पावर भी मोर होगा। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से मतलब है वो कितना पार्ट अपना डिसोसिएट कर पाता है। तो सबसे बेटर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वाटर का, जो अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास है। उसके बाद में आएगा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद में आएगा मेथेनॉल, उसके बाद में आएगा एथेनॉल, और उसके बाद में आएगा एसिटिक एसिड। हाँ, एक नोट है यहाँ से ध्यान रखें, नोट यह है कि अगर एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन कहीं भी यूज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन पर हमेशा SN1 रिएक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्वस AgNO3 जो सॉल्यूशन है इसमें आपका OH- जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
हमने जब इलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था तब बात की थी कि इलिमिनेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है और सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर पर पॉसिबल है। तो देखिएगा SN1 एट आपका लो टेम्परेचर, नंबर 10 इफेक्ट ऑफ ग्रुप का इफेक्ट। अगर इफेक्ट ऑफ ग्रुप के बारे में बात करूं तो इसमें देखिएगा हमने SN1 इन केस ऑफ SN1 सबसे पहले होगा बेंजाइल, फिर होगा एलाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। अगर इसमें ऑर्डर लिखे बेंजाइल में भी तो AR(X), AR(2)CX, AR(CX), फिर हो जाएगा विनाइल, विनाइल के बाद में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और उसके लास्ट में मिथाइल। अगर हम बात करें आगे इसी ग्रुप में तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बेंजाइल, एलाइल, फिर एल्किल, फिर विनाइल और फिर अराइल या एलो एरिन। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता और सबसे फास्ट होता है बेंजाइल। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन है कि बेंजाइल एलाइल है और ये हेलो एरिन्स है, अगर मैं इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा जहां पर नो एनएसआर रीजन बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस। तो जैसे यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा लेस होगा। अब हम इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आएगा एक ब्रांचिंग एट अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पर ब्रांचिंग है तो ऐसी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जिसका रीजन है कार्बन के बैंड की स्टेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया फर्स्ट ये, सेकेंड हमने ये लिया है और थर्ड हमने ये लिया है। अब देखिएगा एक्स कार्बन पर है वो अल्फा, ये अल्फा और ये कार्बन अल्फा। यहां से अगर मैं कार्बोकेटन का फॉर्मेशन करूंगा तो ये बनेगा 1 डिग्री, यहां से बनेगा 2 डिग्री और यहां से बनेगा 3 डिग्री। हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी मोर है तो यहां पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी मोर होती है। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2। तो देखिएगा केस नंबर 2 ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, वही रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय रीअरेंजमेंट। तो देखिएगा इसमें भी क्या होगा, आप देखिएगा
ऐसे कार्बन बने एल्फा ये बीटा, एल्फा ये बीटा, एल्फा और ये बीटा। यहां पर जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो होगा 1 डिग्री और इसके नेक्स्ट वाला है ये 2 डिग्री, तो आफ्टर 60 के 2 डिग्री कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इस वाले को देखिएगा, यहां पर कार्बन तो बनेगा 1 डिग्री बट शिफ्टिंग के वाया ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ये। अब आ जाती है केस नंबर 3। इफ इटेरो एटम, कहने का मतलब कार्बन के अदर कोई एटम हो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एट अल्फा कार्बन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से बनने वाला कार्बन पैटर्न क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल CH3O CH2 और X, जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप देखिएगा ये कार्बन अल्फा था, अल्फा के बाद आपका इटेरो एटम है, तो ये ऑक्सीजन अपना नॉन पेयर लेकर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इटेरो एटम आपका अल्फा कार्बन के जस्ट बाद होगा तो बनने वाला कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। अब आप चलेंगे केस नंबर 4। इफ डबल बॉन्ड एट बीटा पोजिशन, अगर डबल बॉन्ड बीटा पोजिशन पर हो अर्थात सी डबल बॉन्ड सी एट एट अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन, ऐसी कंडीशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। रीजन अगेन ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिएगा ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, आपका डबल बॉन्ड बीटा कार्बन पर है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन के बाद में सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप है, जब यहां से ग्रुप लीव होगा तो यहां कैटायन हो जाएगा। अब आप देखिएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस वजह से इसमें रिएक्टिविटी भी क्या होगी? फास्ट होगी। अब हम बात करेंगे यहां से वो कंडीशन जहां पर ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो देखिएगा केस वेयर एसएमएन नॉट अकर, वो कंडीशन जहां पर एसएमएन नहीं होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन है इफ CO अर्थात कार्बोनिल ग्रुप एट बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू हैलाइड, अगर हैलाइड के रेस्पेक्ट में अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप बीटा कार्बन पर है तो ऐसी कंडीशन पर एसएमएन नहीं होगी, उसका रीजन क्या है? तो ध्यान रखना ऐसे केस में एसएमएन नहीं होगा, इसका रीजन क्या है वो देखिएगा। ये अल्फा ये बीटा, जब यहां से ये ग्रुप रिमूव होगा तो ये वाली कंडीशन बनेगी। अब यहां पर इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा तो इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और वो भी माइनस है, जो कि कार्बन कैटायन को क्या कर रहा है? डी स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसे केस में एसएमएन पॉसिबल नहीं होगी। नंबर 2, बाय साइक्लो ब्रिज एड कार्बन, बाय साइक्लो ब्रिज एड 3 डिग्री
एल्किल हैलाइड, और वो भी कौन सा, नॉन जीरो केस में, नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड के केस में। कैन नॉट शो, कैन नॉट शो ऐसा ना, ऐसा क्यों, तो देखिएगा इसका रीजन भी। ये मैंने बनाया 3 डिग्री पर है और नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। जब यहां से ये ग्रुप रिमूव होगा तो यहां पर कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और हमें पता रेडिक्स ग्रुप से दिस कार्बोकेटाइन डज नॉट एग्जिस्ट, ये कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली ये इस फॉर्म में भी ऑप्टेन होता है, तो ऐसी कंडीशन पर भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बनने वाला इंटरमीडिएट एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से एसएन और रिएक्शन यहां पर भी पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन शो एसएन वन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है ये, सेकेंड ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन जो है वो है ये, और फोर्थ ऑप्शन है ये। तो आप देखिएगा ये किसका पार्ट है, विनाइलिक हैलाइड, और हमें पता है कि विनाइलिक हैलाइड एनएसआर नहीं करता। ये किसका पार्ट है, एलो एरिंग, ये भी एनएसआर नहीं करेगा। ये ब्रिलिएट वाला कार्बन है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये वाली फॉर्म सबसे ज्यादा एग्जिस्ट फॉर्म है, स्टेबल भी है, इसलिए यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर रिएक्टिव, आपकी बात मोर रिएक्टिव बता रहे हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड एसएन वन। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, तो आईआईटी का क्वेश्चन है, तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन यह है, सेकेंड ऑप्शन यह है, थर्ड ऑप्शन यह है, और फोर्थ ऑप्शन यह है। तो आप देखिएगा यहां पर हैलोजन डिफरेंट है, और जब एसएन वन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था तब हमने कहा था कि हैलोजन के केस में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और सबसे कम होती है क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, तो यहां पर आयोडाइड नहीं है, यहां पर ब्रोमाइड है, तो यहां पर तो लेस रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव। इसमें से भी आप देखिएगा ये वाला वो केस है जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जब यहां से बीआर हटेगा तो बीआर हटने के बाद पॉजिटिव, अब आप देखिएगा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पर है, और एडजेसेंट पोजीशन पर होने की वजह से रेजोनेंस होगा, और ये रेजोनेंस स्टेबल रहेगा, इसलिए इसका आंसर बी है, क्योंकि यहां बनने वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे यहां से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो देखेगा नेक्स्ट पॉइंट रेट ऑफ एसएन वन, अर्थात एसएन वन जो रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो होती है डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ सब्ट्रैक्ट, जो भी हम रिएक्टेंट कह रहे हैं उसकी डिग्री पर भी डिपेंड करती है। तो देखिएगा इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विल ऑलवेज गिव एसएन वन, ऐसी स्थिति में वो एसएन वन देगी। अगर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है तो विल ऑलवेज
असाइन टू, हम यहां भी फॉलो यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है क्या, इफ बीटा कार्बन 1 and 2 डिग्री, इसका बीटा कार्बन या तो 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, 2 डिग्री एल के है, 2 डिग्री एल के डेराइव में जो कंसिडर फैक्टर होता है वो क्या क्या हो सकता है, एक तो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सब्ट्रैक्ट, आपका जो भी सब्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन तीनों पर डिपेंड करता है। अब अगर बात करें यहां से, तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है ये 2 डिग्री एल्केल है, इसकी रिएक्शन करवाई है स्ट्रॉन्ग बेस और पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट, तो ये एसाइन टू को तो करेगा। मैंने लिया है वीक बेस अर्थात न्यूट्रल और यहां पर होगा चार्ज, और रिएक्शन कराई है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा नाम होगा जिसके एग्जांपल ये 2 डिग्री एल्केलाइड है, इस पर रिएक्शन कराना चाहता हूं एक बार OH- H2O। आपको बताइए वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल और साथ में न्यूट्रल है, और ये खुद सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, हमने यूज किया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नीचे भी यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और कंडीशन है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अर्थात DMSO, तो इसी कंडीशन पर, तो यहां होगा SN2 और यहां पर होगा SN1। हमने इसे पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में DMSO, DMF, DMA और एसीटोन, ये 4 सॉल्वेंट जो है वो पोलर एप्रोटिक है और इन्हीं सभी के केस में हमेशा SN2 रिएक्शन होगा। जबकि SN1 में अभी हमने कहा था कि जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो वाटर यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी है और उसके साथ में सॉल्वेंट भी है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, H+ प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो देखिएगा पॉइंट नंबर 11 ग्राफ। फर्स्ट कंडीशन यह है, हमें पता है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होता है, जनरली डन इन टू स्टेप एंड 1 इंटरमीडिएट विद 2 ट्रांजिशन स्टेप। जैसे ये एल्केलाइड है, सबसे पहले लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बेनाइल का फॉर्मेशन होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो जब यहां से बनेगा तो इसके बीच में यहां पर ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट फट होगी, ये TH फट, और जब न्यूक्लियोफाइल फटे करेगा तो कैटायन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। तो इसकी जनरली जो मैकेनिज्म है उसमें एक इंटरमीडिएट के साथ 2 ट्रांजिशन स्टेट है, इसलिए यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा आपका इस टाइप का ग्राफ होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, इंटरमीडिएट। यहां पर हमने एल्केलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल दिया है, यहां पर आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा और एक्ट लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ध्यान रखना अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं मैं तो TH फर्स्ट की जो एनर्जी है वो TH सेकंड से मोर है। अब आप करते हैं इसी के अंदर पॉइंट नंबर बी, इफ रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन पर 2 इंटरमीडिएट
विद थ्री ट्रांसिशन स्टेट, तो इंटरमीडिएट और थ्री ट्रांसिशन स्टेट होगी। जैसे देखिएगा यह एक्स है, सबसे पहले यहां से ये ग्रुप हटेगा, ये गैटाइन बनेगा, इसके बीच में यहां पर यह ट्रांसिशन स्टेट फर्स्ट होगा, फिर यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, इसके बाद कैटाइन बनेगा, यह इंटरमीडिएट फर्स्ट और इंटरमीडिएट सेकेंड, इनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट टू होगा। नेक्स्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर और यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इनके बीच में यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट थर्ड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब रीअरेंजमेंट होता है तब टू इंटरमीडिएट के साथ थ्री ट्रांजिशन स्टेट है, और जब मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होता तब वन इंटरमीडिएट के साथ में टू ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम इस वाले कंडीशन के लिए ग्राफ देखते हैं कि कौन सा ग्राफ बनेगा। तो देखेगा इसके लिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया मैंने जहां से लिविंग रूट जब रिमूव होगा तो टू डिग्री का टाइम बनेगा, इंटरमीडिएट फर्स्ट शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग के बाद थ्री डिग्री का टाइम बनेगा, और उसके बाद यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिएगा ये इंटरमीडिएट फर्स्ट है, ये इंटरमीडिएट सेकेंड है। अगर मैं ग्राफ के लिए बात करूं तो यहां से फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट इंटरमीडिएट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड इंटरमीडिएट, और ये इस तरह का ग्राफ बनेगा जहां पर ये एल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये टीएस फर्स्ट, टीएस सेकंड, टीएस थर्ड, इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट सेकंड, और यहां पर बनेगा ये प्रोडक्ट। अगर एनर्जी की बात करें यहां भी तो टीएस फर्स्ट की एनर्जी मोर है, टीएस सेकंड की उससे लेस है, और टीएस थर्ड की सबसे लेस होगी। और इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड में भी मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट फर्स्ट की एनर्जी इंटरमीडिएट सेकंड से क्या होगी, मोर होगी। अब बात करते हैं यहां से पॉइंट नंबर 12, स्टीरियो स्पेसिफिक, और पॉइंट नंबर 13, स्टीरियो सेलेक्टिव। तो हमें पता है कि SN1 जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है और नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो याद रखें नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव है। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस यह है कि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कैटायन फ्रॉम बोथ साइड। कहने का मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन कैटायन पर दोनों साइड फ्रंट और बैक से अटैक करता है, तो स्पेशल टाइप का अटैकिंग नहीं है। और इसको नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि एनियोमर्स या जैसे भी मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर हमें ऑप्शन होगा क्या, पेयर ऑफ एनियोमर्स अर्थात रेसिमिक मिक्सर, या हम ऐसा कह सकते हैं डीएल फॉर्म यहां पर हमें ऑप्शन होगी। कब, अगर आपका एक प्लेस सेंटर वाला है। अब हम बात करेंगे यहां से पॉइंट नंबर 14, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 14, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। स्टीरियो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि यहां पर हमें पता है कि इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन बनता है जो कि sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड पर न्यूक्लियोफाइल का जो टेक है वो अबव और बिलो है, तो उसके रिलेटेड हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट कि यहां पर आपका जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन कैटायन है,
और वो sp2 के साथ साथ प्लेनर है, और sp2 प्लेनर होने के कारण इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटे फ्रॉम आइदर अबव और बिलो, दोनों साइड से अटैक करता है वो, अबव से भी और बिलो से भी। ऐसी कंडीशन में अगर आपका हेलोजन जिस कार्बन का है वो ग्रेड है, तो पेयर ऑफ एल्यूमस या एसिडिक मिक्सचर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट है हेलोजन ऑन ग्रेड कार्बन गिव पेयर ऑफ एनियोमर्स अर्थात रेसिपी मिक्सर। आगे बात करें यहां पे तो असल में रिएक्शन में रेसिपी मिक्सर बनने की वजह से इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिबाइजेशन। तो असल में रेसिबाइजेशन होता है, और रेसिबाइजेशन का होता है एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। एसएनवन में जो रेसिबाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं पार्शियली होता है। पार्शियली से सेंस क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो 90 से 95 होगा, अर्थात उनके बीच में जो डिफरेंस। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि पार्शियल से मतलब यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो दोनों प्रोडक्ट में से जो इन्वर्जन प्रोडक्ट मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट, अर्थात जो इन्वर्ट प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन प्रोडक्ट के कंपेयर में मोर होगा, जिसका अमाउंट जो मोर होगा वो कितना होगा 5 से 10%। कहने का मतलब इन्वर्ट प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो रिटेंशन से 5 से 10% मोर होगी, और ऑर्गेनिक के अंदर 90% जो SN1 रिएक्शन है वो रेसिमाइजेशन को फॉलो करती है। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, तो उस एग्जांपल में देखिएगा, जैसे मैंने लिया CH3CETPH और क्लोरीन, इस पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया वाटर का, OH को रिप्लेस कर देगा, तो यहां से टू प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप देखिएगा ये प्रोडक्ट तो क्या है रिटेंशन, और ये प्रोडक्ट क्या है इन्वर्जन। ये होगा 53% और ये होगा 47%, अर्थात इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 5 से 10% के अप्रोक्सीमेट होगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है पार्शियली रेसिमाइजेशन। अब हम इसको विद डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, तो देखिएगा R1 R2 R3 और यहां पर यह भी लिविंग ग्रुप, इसका सोलूबल एसिड होगा, इसके वाया इंटरमीडिएट कार्बेटाइल का फॉर्मेशन होगा जो sp2 और प्लेनर है। अब इस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक फ्रॉम अबव और अटैक फ्रॉम बिलो, न्यूक्लियोफाइल अटैक और न्यूक्लियोफाइल अटैक। जब यह अबव से अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल और इस तरह की कंडीशन का फॉर्मेशन होगा R1, R2, R3। इसको मैंने रिटेंशन कॉन्फ्यूग्रेशन माना है, और जब बिलो करेगा तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, R1, R2, R3 और ये, इसको मैंने इन्वर्जन कॉन्फ्यूग्रेशन कंसिडर किया है।
अब आप देखिएगा यहां पर वो था एम आई, अर्थात दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए क्या बोला जाएगा, पेयर ऑफ एनियोमर अर्थात रेसेमी मिक्सर होगा, और दोनों की जो अमाउंट होगी वो इक्वी मोलर होगी, जिसमें इसका परसेंटेज मोर होगा और उसका परसेंटेज लेस होगा। यहां से हम एक क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आया हुआ है, विच कंपाउंड गिव रेसेमिक मिक्सर, फर्स्ट Cl3 4.3 CH, सेकेंड Cl3 CET 4.2 H, ऑप्शन सी Cl3 CH X ET, और डी Cl3 CH2 X। ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है। तो अभी हमने कहा था कि रेसेमिक मिक्सर तभी फॉर्मेट होगा जब आपका हाइड्रोजन ग्रेड सेंटर पर हो, तो आप देखिएगा ऑप्शन सी में ये कार्बन ग्रेड है जिस पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रेसेमिक मिक्सर होगा। इसी के साथ ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है।